नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह है कश्मीर की डल झील। जो हमेशा ही कश्मीर में रहने वाले लोगों और बाहर से आने वालों के लिए दिलचस्पी का केंद्र रही है। श्रीनगर में स्थित इस डल झील का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग यहां कश्ती या हाउस बोट में अपना समय गुजार कर आनंद लेते हैं। अब इस डल झील में न सिर्फ तैरती कश्तियां और हाउस बोट नजर आएंगे, बल्कि डल झील में तैरता एटीएम भी शामिल हो गया है। बीते दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस डल झील में एटीएम लगाकर डल झील में रहने वाले लोगों की मुश्किलें दूर कर दी। साकिब इब्राहिम की हाउस बोट में रखा गया है और साकिब ही इस एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। साकिब कहते हैं कि यहां एटीएम का लगना सबकी जरूरत थी और इससे कई बाधाएं दूर हो गईं। मुश्किलें ज्यादा विंटर्स में होती थी, बाहर जाना पड़ता था, बर्फबारी होती थी, तो अभी लोकल टूरिस्ट को भी जाना पड़ता बाहर, जो मतलब कोई टूरिस्ट जा नहीं पाता था। यहाँ पर शॉपिंग होती है, कुछ भी होता है, इजीली टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते और पैसे निकाल सकते हैं। जी, बैंक ने अप्रोच किया, ऑफर लेटर दी तो हमने एग्री कर लिया, क्योंकि ये मतलब एक ज़रूरत थी डल लेक में। डल झील में सैकड़ों लोग शिकारा और हाउस बोट के काम से जुड़े हैं। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अरे ओ सांभा, घोड़ा पालना बहुत महंगा हो गया, सोच रहा हूँ बजाज प्लेटिना ले लूं। जी सरदार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, अब तो ले लो प्लेटिना सरकार। जी हाँ, हमारा पता नोट करें, A1 बजाज महनपुरी चौराहे के पास, कृष्णा नगर शुकुहाबाद। मोबाइल नंबर नोट करें 9808848992 5।